बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की रुचिरा अभ्यास पुस्तिका का आज हम लोग तीसरा पाठ करेंगे। तृतीया पाठ स्वावलंबनम। तो इसमें हम लोग अभ्यास पुस्तिका में दिए गए कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न, जिसमें लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो यहाँ पे क लिखा है, कस्य पिता समृद्ध आसीत, किसके पिता समृद्ध थे अर्थात धनी थे। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया है कृष्णमूर्तेह, दूसरा विकल्प दिया है श्रीकंठस्य, और तीसरा विकल्प दिया है न कस्यापि, यानी कि किसी के भी नहीं। तो यहाँ पे कस्य पिता समृद्ध आसीत, तो श्रीकंठस्य दूसरा विकल्प सही है। तो हम लोग पहले का उत्तर जो है दूसरा विकल्प लिखेंगे। तो उत्तर एक से हम लोग शुरू करते हैं, और ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसमें का उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर श्री कंठस्य, श्रीकंठ के पिता धनी थे। और इसी तरह से हम लोग ख का भी करेंगे। तो ख का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ख में यहाँ पूछा गया है कि तस्मिन विशाले भवने कति स्तंभाः आसन, उसके बड़े से घर में कितने खंभे थे, स्तंभ थे। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया है 50, दूसरा दिया है 30। 50 मतलब 50, और 30 मतलब 30, और तीसरा दिया है 44। तो तीसरा विकल्प 44 दिया है, जो कि सही है। तो इसमें हम लोग तीसरा नंबर डालेंगे, तीसरा विकल्प लिख रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 44। 44, तो ये किताब से भी देख के किया जा सकता है, पढ़ा हुआ पाठ है, तो इसे छात्र स्वयं से भी कर सकते हैं। अब क है कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि कः नासीत, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी कौन नहीं था। तो भृत्यः एक भी, को अपि मतलब कोई भी, क्या नहीं था यहाँ पे। तो पहला है भृत्यः यानी नौकर, दूसरा है अतिथि यानी मेहमान, तीसरा है निर्धनः यानी कि निर्धन गरीब। तो यहाँ पे पहला भृत्य होगा कि उसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो पहला विकल्प हम लोग ग में लिखेंगे भृत्य। और अब घ हम लोग देखते हैं, भृत्य मतलब होता है नौकर सेवक, और घ है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकराः मतलब नौकर थे, नौकर हैं। तो कृष्णमूर्ति जब श्रीकंठ बोलता है कि मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे यहाँ कोई भी नौकर नहीं है, तो कृष्णमूर्ति कहता है कि मेरे पास भी नौकर है। तो कितने नौकर थे, पहला 10, दूसरा अष्टौ और तीसरा द्वादश। 10 मतलब 10 होता है, अष्टौ मतलब 8, और तीसरा द्वादश मतलब 12। तो 8 नौकर थे उसके। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा विकल्प लिखेंगे अष्टौ। और अंग में हम लोग अब करेंगे यहाँ पर अंग में प्रश्न देखते हैं कि क्या है। सुखम सर्वदा कुत्र तिष्ठति, कहाँ हमेशा सुख रहता है, भृत्येषु नौकरों में, गृहेषु घरों में, स्वावलंबने स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में। तो तीसरा विकल्प सही है, स्वावलंबने। यहाँ पे हम लोग स्वावलंबने करेंगे, स्वाव लंबने यानी कि आत्मनिर्भरता में ही सुख है। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा है कि श्रीकंठस्य भवनम कीदृशम आसीत, श्रीकंठस्य भवनम कीदृशम आसीत, श्रीकंठ का भवन कैसा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्रीकंठस्य भवनम, उत्तर दो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर दो का हम लोग क करेंगे। तो क में श्रीकंठस्य
भवनम विशालम आसीत। बड़ा था। श्री कंठ से भवनम विशालम आसीत। और अब ख यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ख, और ख में हम लोग लिखेंगे प्रश्न है यहाँ पर, कृष्ण मूर्तेः गृहं कीदृशम् आसीत। कृष्ण मूर्ति का घर कैसा था। कीदृशम मतलब कैसा, तो कृष्ण मूर्तेः गृहं, कृष्ण मूर्तेः गृहं आडंबर आडंबर विहीनः, आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। आडंबर रहित, दिखावे से रहित और साधारण था। आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है कि कृष्ण मूर्तेः अष्टौ कर्मकराः के सन्ति। कृष्ण मूर्ति के आठ नौकर कौन कौन थे। तो यहाँ पर कृष्ण मूर्तेः ग हम लोग करेंगे, कृष्ण मूर्तेः कृष्ण मूर्ति के अष्टौ कर्मकराः द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे च सन्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ग का ग वाले प्रश्न का उत्तर लिखा। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे घ का, जिसमें पूछा गया है कि श्री कंठः मित्रस्य वचनम श्रुत्वा किम अवदत्। कि श्री कंठ जो है मित्र के, श्री कंठ जो है मित्र के वचनम बात को, वचन को श्रुत्वा मतलब सुनकर किम अवदत् क्या बोला। तो यहाँ पर अधुना अहम् अपि श्रीकंठः अवदत् श्रीकंठः अवदत् अधुना अहम् अपि अधुना अहम् अपि स्वकार्याणि अहम् अपि स्वकार्याणि अधुना अहम् अपि अधुना अहम् अपि स्वकार्याणि स्वयमेव स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। वो भी कहता है कि अब मैं अपना काम खुद से करूँगा, स्वयं करूँगा। तो स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। तो इस तरह से यहाँ पर श्री कंठ ने कहा कि अब मैं भी अपना काम खुद से ही करूँगा, करना चाहता हूँ, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। और अब है तीसरा प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा। मंजुषा से पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह
भरो, मंजुषा से पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें एकह यानी एक, द्वौ मतलब दो, जो मंजुषा में दिया है शब्द उसका अर्थ हम लोग जानेंगे, सप्त मतलब सात, ये सभी संख्यावाची पद हैं। सप्त मतलब सात, चत्वारह मतलब चार, अष्टादश अठारह, त्रिंशत तीस, पंच चत्वारिंशत यहाँ पे 45, 44 जिसको कहते हैं, और एक त्रिंशत यानी कि 31, 31, और एका मतलब एक, स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं एक की संख्या को, और द्वे मतलब दो। तो यहाँ पर हम लोग, और द्वे का प्रयोग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होता है। अब क वाला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है और उसमें हमें पढ़कर और उसी के अनुसार हमें संख्या लिखनी है, संख्यावाची पद लिखना है। तो बाल पहला है क, बालकह, पहला जगह खाली है और यहाँ लिखा है बालकह, बालिका च क्रीडतः। तो यहाँ पर बालकह एक वचन है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक के लिए एकह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर लिखेंगे इसको, ये नीचे वाला प्रश्न सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है संस्कृत की, इसे अभ्यास पुस्तिका में ही पूरा करना है। तो प्रश्न तीन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रश्न तीन, और ये सभी ने लिख लिया होगा तो इसको हम मिटा देते हैं और हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, आप तीसरे का क है तो सबसे पहले खाली जगह में हम लोग भरेंगे एक का, ये खाली जगह में भरेंगे क्योंकि बाल का एक वचन है। तो एक बालक और एक का बालिका, स्त्रीलिंग है इसलिए एका का प्रयोग करेंगे, च क्रीडता दोनों खेल रहे हैं, एका बालकह और बालकह और एका बालिका च क्रीडता, यहाँ पे दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है, क्रीडता हो गया है। और ख है छात्रों, तो छात्रों यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है तो यहाँ पहले खाली जगह में हम लोग, और पुल्लिंग है इसलिए द्वौ का प्रयोग करेंगे, द्वौ छात्रौ, और छात्रे वो स्त्रीलिंग है इसलिए द्वे का प्रयोग करेंगे, द्वे छात्रे, द्वौ छात्रौ द्वे छात्रे च पठतः, दो छात्र और दो छात्राएं पढ़ रही हैं। ग है वेदाह संति, वेद हैं, तो वेद की संख्या कितनी है, चार है, चार वेद माने गए हैं, ऋग्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो ये सब चार वेद हैं। तो इसमें वेदाह चत्वारह, चार के लिए हम लोग चत्वारह का प्रयोग करेंगे और ये बहुवचन होता है इसीलिए यहाँ क्रिया भी बहुवचन की है, संति है। और घ है सप्ताहे, सप्ताहे मतलब सप्ताह में, सप्ताह में जो है दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं, सप्ताह कहते हैं वीक को, तो जिसमें सात दिन होते हैं, और सात के लिए हम लोग मंजुषा से सप्त शब्द को लेंगे, सप्ताहे सप्त दिनानि, दिनानि भवन्ति, सप्ताह में सात दिन होते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग अंग करेंगे, पुराणानि पुराण, जैसे वेद के बाद पुराण होते हैं फिर उपनिषद होता है, तो वेद के बाद जो पुराण होते हैं, संति मतलब हैं, उनकी संख्या कितनी है, अठारह, तो अठारह के लिए अष्टादश हम लोग लिखेंगे, पुराणानि यानी कि पुराण अष्टादश अर्थात अठारह संति, अठारह हैं पुराणों की संख्या, अठारह है।
तो यहाँ पे पुराणानि अष्टादश सन्ति। और अब च हम लोग करेंगे एकस्मिन् मासे, ये जो है पाठ में भी ये प्रश्न दिया हुआ था, एकस्मिन् मासे एक महीने में, मास कहते हैं महीने को, एक महीने में त्रिंशत् वा एक त्रिंशत् दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। तो जो है सामान्यतः जो है 30 या 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर एकस्मिन् मासे, एकस्मिन् मासे त्रिंशत्, त्रिंशत् मतलब 30, त्रिंशत् वा का अर्थ होता है अथवा, वा का प्रयोग या अथवा के लिए प्रयोग करते हैं। एक त्रिंशत् एकस्मिन् मासे, मासे जो है वो त्रिंशत् वा एक त्रिंशत् दिवसाः भवन्ति, ये लिखा हुआ है वाक्य, केवल खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग छ के बाद छ करेंगे, यहाँ पे अंग के बाद नंबर सही करना है, सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में नंबर सही कर देंगे। यहाँ अंग के बाद ज लिखा हुआ है, ज नहीं लिखना है, च लिखना है उसकी जगह पे, फिर छ लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग अब अंतिम करेंगे, मम कक्षायाम, मेरी कक्षा में छात्राः सन्ति, छात्र हैं। तो यहाँ पे अब पंच चत्वारिंशत् बच गया है, और कक्षा में छात्र अधिक होते हैं, इससे जो है पंच चत्वारिंशत् लिखेंगे। मम कक्षायाम, मम कक्षायाम पंच चत्वा रिंशत छात्राः सन्ति। ये खाली जगह में भरना है। तो ये हम लोग ने तीसरा प्रश्न पूरा किया, और अब हम लोग यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे कि तद तत एतद एतत शब्दयोः विभक्त्या वाक्यानि पूर्यत। तत एतद या एतत, तद भी बोलते हैं, तत भी बोलते हैं, एतद भी बोलते हैं, एतत भी बोलते हैं। तो शब्दयोः, इन दोनों शब्दों में विभक्त्या जो है शब्दों की विभक्तियों से वाक्य पूरे करो, शब्दों को पुस्तक से चुनकर लिखो। तो यहाँ पर एक यथा करके उदाहरण दिया है कि अतः तस्य भवने, इसलिए उसके घर में सर्वविधानी सुख साधनानि सन्ति, सभी प्रकार के सुख के साधन हैं। यहाँ पे तत् का षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया गया है, तस्य। इसी तरह से यहाँ पे तत् का प्रयोग करना है सप्तमी विभक्ति में। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो है उत्तर चार लिखेंगे, उत्तर चार के क में हम लोग भरेंगे तस्मिन्, खाली जगह में भरना है तस्मिन्। तो यहाँ पे हम लोग तस्मिन् भरेंगे, तस्मिन् विशाले भवने स्तंभाः आसन्, उसके बड़े से घर में खंबे थे। और अब हम लोग यहाँ पे ख में करेंगे, एकदा श्रीकंठ, एक बार श्रीकंठ सह गृहम अगच्छत, साथ घर गया। अब यहाँ पे तत् दिया हुआ है और इसका तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया है, तो इसे पाठ से ये वाक्य हम ढूंढ कर सकते हैं। तो तेन सह मतलब उसके साथ, तो तत् का जो है तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा तेन। तो एकदा एकदा श्रीकंठः, एकदा श्रीकंठः तेन सह, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है और सह है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तस्य गृहम, उसके घर गया, उसके साथ उसके घर गया।
गृहम अगच्छत, उसके घर गया। तो इस तरह से यहाँ पर खाली जगह में हम लोग तेन और तस्य का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग ग करेंगे। दृष्ट्वा श्रीकंठ अवदत्, देख कर श्रीकंठ बोला। तो यहाँ पे एतत का प्रथमा विभक्ति लिखना है, तो एतत का एतत ही रहेगा। एतत दृष्ट्वा, एतत दृष्ट्वा श्रीकंठ अवदत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला। श्रीकंठ अवदत्, अवदत का अर्थ होता है बोलना। वद धातु है, अतीत काल का रूप है, इसलिए अवदत हो गया है। अवदत, अवदताम, अवदन। और अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह का दिया हुआ है, तो इसे हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा वाला नंबर लिखना है, और यहाँ पे तीसरा हो गया, और अब हम लोग यहाँ पर चौथा करेंगे। तो चौथे में यहाँ पे प्रश्न दिया है, खाली जगह जो है, प्रतिक्षरम ममाधीना, हर समय मेरे अधीन रहते हैं। तो यहाँ पे एतत का प्रथमा विभक्ति लिखना है, तो बहुवचन है इसलिए एते करेंगे। एते प्रतिक्षरम, एते प्रतिक्षरम ममाधीना, ममाधीना। तो इस तरह से यहाँ पर ये हर समय हमारे अधीन रहते हैं। और अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया है, निम्नलिखितान, यहाँ पे निम्नलिखितान शब्दान प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो ये वाक्य जो है सभी छात्र अपने से बना सकते हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य लिख दे रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य लिखा जाए। तो इसमें जो है छात्र खुद से भी बनाकर वाक्य लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहला शब्द दिया है पांचवे में, उत्तर पांच में जो पहला शब्द दिया है वो है एषः। तो एषः का प्रयोग संस्कृत भाषा के शुरुआत में ही पहले चैप्टर में सिखाया गया था। तो एषः बालकः, एषः बालकः पठति। और अब यहाँ पे एते दिया है, एते, और एते में एते बालकाः पठन्ति, एते बालका हो जाएगा, पठन्ति पढ़ते हैं, ये सब बालक पढ़ते हैं। और एतस्मै, एतस्मै यानी कि इनके लिए, एतस्मै पुस्तकानि दास्यामि, एतस्मै पुस्तकानि दास्यामि। और फिर है तस्याह, तस्याह का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, तो तस्याह नाम रमा अस्ति, तस्याह नाम रमा अस्ति। और फिर है तस्य, तस्य का प्रयोग पुल्लिंग में होता है, उसका, तस्य गृहे भृत्यः नास्ति, तस्य गृहे उसके घर, भृत्यः मतलब नौकर, भृत्यः नास्ति, तस्य गृहे भृत्यः नास्ति। ये चौथे प्रश्न का ये हम लोग मिटा देते हैं, तस्य गृहे भृत्यः नास्ति। और फिर है तस्मिन्, तस्मिन् मतलब उसमें, तस्मिन् उसमें, तस्मिन् विशाले भवने स्तंभाः आसन, उसके बड़े से घर में, तस्मिन् विशाले भवने
स्तंभाः आसन, आसन मतलब है। तस्मिन् विशाले भवने स्तंभाः आसन। और अब है यहाँ पर प्रश्न 6 है, 4 से 19 तक संख्या हलंत, यहाँ पर एक विशेष दिया हुआ है। तो इसमें 4 से 19 तक संख्या जो है हलंत, 20 से 29 तक संख्या विसर्ग, और 30 से 59 तक संख्या हलंत, और 60 से 99 तक संख्या विसर्ग, और 100 जो है वो हलंत में होती है। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। और अब हम लोग 6ठा प्रश्न करेंगे, निम्नलिखितान अंकान शब्दैः लिखत, निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखो। तो इसे संस्कृत पद में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, 20 को विंशति कहते हैं, तो यहाँ पर और इसके बगल यहाँ पे कई जगह संख्याओं को लिखा गया है, और जहाँ पर नहीं लिखा गया है वहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे हम सभी लिख दे रहे हैं, जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पर आप लोग भरेंगे सभी बच्चे। तो शुरू करते हैं उत्तर 6। तो ये सभी ने लिख लिया होगा, और अब हम लोग उत्तर 6 करेंगे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं उत्तर 6। और सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या दिया है 20 है, 20 को कहते हैं विंशति है, और फिर 21 है, इसको एक विंशति कहते हैं, और फिर है 22, ये यहाँ पे हम लोग वही संख्या लिखते हैं जो कि नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा है उसे हम लोग नहीं लिखेंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 24, चतुर्विंशति है, चतुर्विंशति है, 25 पंचविंशति है, 26 षड्विंशति है, 26 को षड्विंशति कहते हैं, 27 इसमें विंशति ही सब में आया है, विंशति जो है वो सब में आया है, केवल संख्या बदल जा रही है शुरू की, सप्तविंशति है, विंशति है इसका उच्चारण करते हैं विंशति है, अष्टाविंशति लिखा हुआ है यहाँ पर, और ऊपर 22 का भी द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति पहले से लिखा हुआ है इसलिए उसे नहीं लिखा गया है। तो 28 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है, 29 लिखेंगे क्योंकि उसमें एक जगह खाली है, तो यहाँ पे 29 को नवविंशति है कहते हैं, और फिर है 30 को त्रिंशत कहते हैं, और 31 को एक त्रिंशत, 31 को एक त्रिंशत, त्रिंशत इसका उच्चारण होता है त्रिंशत, और 32 को द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत, और 33 लिखा हुआ है, और 34 को चतुस्त्रिंशत, यहाँ पर चतुस्त्रिंशत, 34 चतुस्त्रिंशत, और 35 को पंच लिखते हैं। तो 35 हम ऊपर लिख दे रहे हैं, 35 पंच त्रिंशत, और फिर है 36 लिखा हुआ है लेकिन वो गलत लिखा है इसलिए हम लोग यहाँ पर सही लिखेंगे, षट त्रिंशत होता है, षट त्रिंशत। तो सभी बच्चे इसे सही सही लिखेंगे, जो है षट त्रिंशत इसे कहते हैं, तो वो सही कर लेंगे, वहाँ पे अष्टा त्रिंशत लिखा है तो वो गलत है। और 37 सप्त त्रिंशत, और फिर है 38
अष्टात्रिंशत्, अष्टात्रिंशत 38, अष्टात्रिंशत और 39 में एक जगह खाली है, नवत्रिंशत भी कहते हैं, एकोन चत्वारिंशत भी कहते हैं। तो 39 को 39 को जो है नवत्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत, और 40 को चत्वारिंशत लिखा हुआ है। अब हम लोग 42 लिखेंगे, 41 को एक चत्वारिंशत बोलते हैं, एक चत्वारिंशत, और 42 को द्वि चत्वारिंशत लिखा है, और इसे 42 द्वि चत्वारिंशत लिखा हुआ है। अब 43 हम लोग लिखेंगे, 42 में एक ही लिखना है, और त्रि चत्वारिंशत, त्रि चत्वारिंशत। 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत। सब में चत्वारिंशत जोड़ना है शुरू की संख्या बदल के। और 46 षट चत्वारिंशत, 47 अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत। 48 47 सप्त चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत। 48 अष्ट चत्वारिंशत, और 49 नव चत्वारिंशत, और 50 यहाँ पर पंचाशत पहले से लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पूरे प्रश्न 6 तक किए हैं, और 7वां प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे, केवल 6 प्रश्न तक किया जाएगा। तो ये सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।